नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम चर्चा करेंगे पीके पर छिड़े विवाद की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म पीके पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। कई हिंदू संगठन इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच फिल्म की कमाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी फिल्म लोगों को पसंद भी आ रही है। आज हम बात करेंगे फिल्म पीके को लेकर चल रहे विरोध पर। यूं तो फिल्म पीके अपने रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी। उस वक्त आमिर खान के एक पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। अब फिल्म रिलीज के बाद ये विवाद पूरी फिल्म को लेकर हो रहा है। फिल्म के विवाद पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्म पीके को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन जमकर इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि फिल्म से विवादित दृश्यों को हटाया जाए, जिनमें हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है और हिंदू धर्म को हल्के में लिया गया है। मगर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में बनी हैं और उनका विरोध भी हुआ है। फिल्म पीके को लेकर स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि एक ओर इसका विरोध हो रहा है और दूसरी ओर फिल्म पर्दे पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस विवाद ने आमिर की इस फिल्म को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया है। यानी कि एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ तारीफ। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन ने फिल्म पर पाबंदी की हिंदू संगठनों की मांग को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि फिल्म को रिलीज किया जा चुका है। हर एक फिल्म किसी न किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है। हम दृश्य हटाकर किसी की रचनात्मकता को खत्म नहीं कर सकते। राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा को एक शानदार साहसपूर्ण फिल्म के लिए हार्दिक बधाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे एक विशाल और विविधता भरे देश में पैदा हुए हैं। ये हर देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है कि जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र और धर्म के कारण देश की एकता कमजोर न होने पाए। पीके किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं तो सभी धर्मों का आदर करता हूँ। पीके उन सभी लोगों के खिलाफ है जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ है पीके। फिल्म पीके देखी और बहुत पसंद आई। मैंने फिल्म देखी नहीं है, मगर इसमें हिंदू धर्म के विरोध में कुछ दिखाया गया है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और ऐसे सीन तत्काल हटा लेने चाहिए। फिल्म व फिल्म से जुड़े लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ईसाई या मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ कहना या दिखाना हो तो लोग 100 बार सोचते हैं, मगर हिंदू धर्म के बारे में बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आता है वो कह देते हैं या दिखा देते हैं। ये शर्मनाक है। हिंदू धर्म के विरोध में दिखलाए जाने वाले सीन वापस नहीं लिए गए तो आमिर खान का सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे, साथ ही पीके नहीं देखने की अपील भी करेंगे। आमिर जैसे लोगों को इसी देश में कमाई करनी है और हिंदुओं की बुराई भी करनी है। तिवारी के मुताबिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिल्म पीके को लेकर देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं इसके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तो कहीं पुतले फूंके जा रहे हैं। आखिर फिल्म पीके को लेकर इतना विरोध क्यों? फिल्म पीके से पहले फिल्म ओ माय गॉड का भी विरोध इस तरीके से हुआ था, मगर परेश रावल आज संसद में बैठे हुए हैं और आमिर खान का विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि पीके हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें प्रचारित करती है। संगठनों के अनुसार पीके में भगवान शिव का अपमान किया गया है। फिल्म के एक दृश्य में भगवान पर दूध चढ़ाए जाने का मजाक बनाया गया है और कहा गया है कि इस तरह दूध की बर्बादी होती है और ये दूध गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटा जाना चाहिए। देश में धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ है। देश उस आग में जला है जो जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लगाई गई और न जाने कितनों की जिंदगियां इसमें उजड़ गईं। मगर आज तक देश इस दंश से दूर नहीं हो पा रहा है। कुछ सही होने को होता है तो ये अपने अपने धर्म के ठेकेदार सही होने नहीं देते। कभी फिल्म के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है।
विपनेश माथुर, चैनल वन न्यूज। कभी धर्म के नाम पर और कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी फिल्म का विरोध के नाम पर समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बहरहाल एक बहुत अहम मुद्दा है और इस वक्त ये देश भर में इसका विरोध जिस तरह से हो रहा है, ये मुद्दा कहें तो राष्ट्रीय एजेंडे पर एक तरह से आ गया। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हिंदू महासभा से डॉक्टर स्वामी ओम हमारे साथ हैं, मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी हमारे साथ हैं जो कि फतवा ऑनलाइन के फाउंडर हैं। मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आखिर क्यों इस फिल्म पर इतना विवाद मच रहा है और लगता है कि कहीं से प्रायोजित है या जानबूझ के लोग, कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं या क्या है, पॉलिटिकल सर्कल में इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में इसको लेकर दोहरी धाराएं सामने आ रही हैं, दोहरे विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, लिहाजा अगर फिल्म में कुछ दिखाया गया है, अगर अंधविश्वास को ऊपर चोट की गई है तो उसको विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अधिकार है कि वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को प्रदर्शित कर सके, फिल्म के माध्यम से चाहे लेखनी के माध्यम से। दूसरे लोगों का कहना ये है, विचार ये है कि साहब यदि मान लीजिए किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन विचारों को प्रकट करने से बचना चाहिए, सीधे सीधे किसी पर चोट ना हो तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर दोनों आमिर साहब जो हैं वो हमेशा से एक ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ऐसी पटकथा के लिए जाने जाते हैं जो समाज को संदेश देती है सकारात्मक दृष्टि से। उनकी फिल्म पर मैं पहली बार इतना विवाद देख रहा हूं और वैसे अगर कहा जाए तो ये फिल्म शायद बेचने के लिए ही थोड़ा विवादित बनाई भी गई है। अगर देखा जाए तो पहले उन्होंने कपड़े भी अपने उतार दिए ताकि फिल्म चर्चा में आए, तो कपड़े उतार के भी फिल्म चर्चा में आई और अब धार्मिक मुद्दों पर विवाद को लेकर चर्चा में आई। फिल्म की कमाई हो रही है, अच्छी बात है, कमाई हो रही है, लेकिन साथ में विवाद भी हो रहा है। लेकिन फिल्म का आपने कहा कि फिल्म की पटकथा उनकी फिल्म की ऐसी होती है, तो अपनी फिल्म की पटकथा खुद थोड़ी लिखते हैं वो, तो वो तो पूरा टीम वर्क है। हमेशा उनके बारे में ये कहा जाता है फिल्म वो सोचते हैं, समझते हैं, पटकथा सुनते हैं, उसके बाद चयन करते हैं। उनके हम भी प्रशंसक बहुत बड़े हैं, देश तमाम लोग प्रशंसक उनके हैं, देशभक्त आदमी हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो पटकथा लिखने वाला होता है मार्केटिंग हावी हो जाती है और शायद कभी कभी हीरो अभिनेता को उस पटकथा की जो मार्केटिंग के हिसाब से बनाई गई है उससे समझौता करना पड़ता है। मुझे लगता है आमिर खान ने भी शायद इस बार समझौता किया। चलिए सीधे चलते हैं ओम जी के पास। ओम जी जी, क्या कहेंगे, क्या है पूरा विवाद, ये क्यों आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इसके खिलाफ? देखिए, आमिर खान जी दाऊद इब्राहिम से आईएसआई से पैसा लेकर के, ये उसका पूरा टीम हिरानी वगैरह जितने भी हैं, ये पैसा लेकर के इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और मैं 19 दिसंबर को जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुआ था उसी दिन मेरा बयान कई चैनलों पे आया था, अखबारों में आया था कि आमिर खान को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैंने अभी दो दिन पहले आमिर खान को मारने के लिए, हिरानी को मारने के लिए मैंने खुद अपने लड़कों को भेजा है बॉम्बे में, ना वो घर पे मिल रहा है, ना सुपारी दी है। मतलब आपने नहीं, हमारी अपनी सेना, हम सुपारी देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास में लड़के हैं इस काम के लिए, ऐसे देशद्रोहियों को मारने के लिए। मतलब क्या जान से मारेंगे या कैसे, क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले उसका जीव काटूंगा। अच्छा, ताकि भविष्य में किसी धर्म की वो बुराई न कर सके। अच्छा, सुधर गया तो जिंदा छोड़ दूंगा। किसी धर्म की या हिंदू धर्म की? वो हिंदू धर्म, इस फिल्म में हिंदू धर्म की बुराई की है, इस्लाम के खिलाफ भी उसने बात की हुई है इसमें। इसने तो आपको किस बात पे ज्यादा आपत्ति है, हिंदू धर्म पे आपत्ति है कि इस्लाम पे आपत्ति है? नहीं नहीं, मुझे तो हर उस बात पे आपत्ति है जो किसी भी धर्म के खिलाफ होता है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म के लिए ज्यादा उसने किया है और उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। और इसकी सजा सिर्फ उसको ही नहीं भुगतनी पड़ेगी, दाऊद इब्राहिम को भी भुगतना पड़ेगा जिसने दुबई के जरिए वहाँ पैसा भेजा, आईएसआई को भी भुगतना पड़ेगा। मैंने भारत सरकार से ये प्रार्थना की है कि आप जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को मारा था वैसे ही वहाँ पर दाऊद को मारे, नहीं मारेंगे तो हमारे हिंदू से। चलिए, अभी हम दाऊद पे नहीं, अभी हम पीके पर बात कर रहे हैं। मैं पीके की बात ये कर रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ राष्ट्रीय चैनल के मालिकों से भी हमने कहा है कि किसी बहाने से इंटरव्यू देने के बहाने आप नोएडा के किसी स्टूडियो में बुलाइए, आपका इंटरव्यू तो हम बड़े आराम से होने देंगे, लेकिन उसको हम वापस दिल्ली से नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे दिल्ली में, कहाँ रोक के रखेंगे? रोक करके नहीं रखेंगे, हमको हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं
कि स्टूडियो से निकलने के बाद कहीं से हम उसको ले लेंगे। नहीं ले तो लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे? लेने के बाद हम पहला काम ये करेंगे जीभ काटेंगे, फिर जीभ काटने के बाद उसको देखेंगे कि वो कितना सुधर रहा है, सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो हम मार देंगे उसको। जब जीभ काटने के बाद क्या पता चलेगा आदमी कितना सुधर रहा है? नहीं, इशारे से पता लगेगा, जो गूंगे होते हैं वो भी इशारे से बताते हैं, और ये तो गूंगा एक्सपर्ट है। मुफ्ती साहब जो आमिर खान को लेकर के अभी बताया स्वामी जी ने, जीभ काटने तक पे आमादा है, तो किस तरह आपको कुछ आपत्तिजनक लगता है इस फिल्म में? नहीं, कानून से ऊपर नहीं आपके उस दिन भी मैंने कहा था कि इस निंदा में सिर्फ मृत्युदंड है। स्वामी जी बोलने दीजिए, मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं। देखिए, जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तो उस वक्त मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा था कि ये क्या, किस तरीके से जो है मतलब ढंगिया पोस्टर जो है रिलीज कर दिया। लेकिन सही बात यह है कि वैसे तो मैं फिल्म देखता नहीं, लेकिन जब इतना हंगामा हुआ तो मैंने इसका कुछ एनालाइज किया, तजिया किया, तो देखने के बाद मुझे शुरू से आखिर तक में लगता है, यहाँ तक कि इसका जो ये फोटो भी जो आया है वो भी अटपटा नहीं लगता है। फिर इसलिए कि इसमें जो एक किरदार है इसका, वो एक एलियंस का, उस दुनिया से वो आदमी इस दुनिया में आ जाता है जहाँ कपड़े का कोई तस्वीर नहीं है, तो जाहिर है कि वहाँ पर तो इसी हालत में आएगा। मतलब एलियंस पे आप विश्वास करते हैं? उसके बाद भगवान पे नहीं, देवी देवताओं पे नहीं, ये गलत है। मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। उसके बाद वो वहाँ पर सिर्फ वो किरदार पूरी फिल्म में पेश किया जाता है किसी भी मजहब से मुतल्लिक, कि एक सादा जहन आदमी जिसके सामने मजहब कोई चीज नहीं, या जिसके सामने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ये जो लोग फिरका बदल, ऑस्ट्रेलियन कार्टूनिस्ट ने सिर्फ एक कार्टून बनाया था, कतलेआम वगैरह हिंदुस्तान से ज्यादा मारा। स्वामी जी आप अपनी बात कहिए, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, आप अपनी बात। अपना एक तजिया बता रहा हूँ, देखिए मुफ्ती साहब के बाद हम आपसे पूछेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। सबसे पहले तो मैं इस बात को कह दूं कि देखिए, कहीं भी किसी भी धर्म में आज़ादी का ये मतलब नहीं होता कि किसी भी धर्म के खिलाफ बात की जाए, या मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो कि उसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, वो एक अलग इशू है। उस पर जो स्वामी जी बार बार कह रहे थे, इसमें हिंदू धर्म की अपमान दिखाया गया है, इस्लाम का अपमान दिखाया गया है, क्या ऐसा लगा आपको? वो बात कर रहा था कि पूरी फिल्म का तजिया करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं भी और किसी मजहब का इसमें कोई अपमान नहीं है। एक सादा जहन आदमी जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी मजहब का कोई तसव्वुर ना हो, वो समझिए कि वो एक खाली जहन दुनिया में आ गया हो कहीं से भटक करके। अब उसके बाद ये रंग बिरंगी दुनिया देख करके कि फलां इस तरीके से ईश्वर की इबादत करता है, फलां इस तरीके से करता है, फलां इस तरीके से करता है, तो वो एक अपने आप को कन्फ्यूज सा दिखा रहा है। हर जगह उसको कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है कि फलां मतलब पूरी दुनिया को पैदा करने वाला एक है, तो फिर वो उस तरीके पर क्यों जा रहा है, ये इस तरीके पर क्यों जा रहा है, ये इस तरीके पर, सारे मजाहिब को उसने उसमें जमा किया दिखाया है, और बहुत ही अनोखे अंदाज में। और मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी किसी भी मजहब को ये करने की, हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। मिसाल के तौर पर जिस पर आपत्ति है इन लोगों को, जो यहाँ पर दूध चढ़ाने वाली बात या वो गाय वगैरह के बारे में कहा, उसने सिंपली कहा कि तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो हैरत होती है कि एक आदमी उसको खिलाता भी है, दूसरा आदमी बलि चढ़ा देता है, उस पर वो हैरत का इजहार गाय के बलि कभी हम लोग नहीं चढ़ाते, उस पर उसने उसे हैरत का इजहार किया, उसमें क्या बुराई है, हैरत तो होती है। स्वामी जी, दूध के बारे में भी हैरत, आपने भी फिल्म देखी है? मैंने बिल्कुल, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी इसके सारे गुनाहों को जानने के लिए मुझे वो फिल्म देखना पड़ा। तो बड़ा सेकुलर गठजोड़ लग रहा है, फिल्म आप भी नहीं देखते, फिल्म मुफ्ती साहब भी नहीं देखते, मैं फिल्म देखना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। फिल्म जो है फिल्म नहीं है, राजनीतिक गंदी फिल्म मनोज वर्मा, मनोज क्या आपने देखा कि भाई किस तरह जो एक धर्म निरपेक्ष गठजोड़ है उसको देने का आप इस मामले में कहूंगा, धर्मपेक्ष गठजोड़ है। मैं जितनी भी डिबेट देख रहा हूं, जितने लोगों को भी इस प्रवचन करते विचार प्रकट करते देख रहा हूं, धार्मिक संतों को, उनमें से किसी ने भी ये फिल्म नहीं देखी है। मैंने देखी, सब इसके विरोध में आमादा है। नहीं, लेकिन मैंने तो देखी है, देखने के बाद ही अपने वाला दिलचस्प है कि फिल्म देखी नहीं है, विरोध सब कर रहे हैं। तो आपको किन किन चीजों पर आपत्ति इस पर है, कहाँ कहाँ आपत्ति है? देखिए, एक तो दूध वाले पे तो खैर है ही, गाय वाले पे तो है ही, दूसरा जहाँ पर वो डर का बिजनेस दिखा रहा है, और वो कॉलेज के सामने जाकर के एक वो मुंह 24 घंटे तो उसके मुंह में पीक भरा पड़ा है, वहाँ पर वो लाल करके पत्थर को, और फिर वो कहता है कि देखो कैसे बिजनेस हो रहा है, चाय वाले के साथ में भगवान का कंपेयर करता है, उस तीसरा वो पीक मार करके जगह को भी वो दिखाता है, इस तरह के जितने भी भगवान शिव जी को दौड़ाता है। आप एक चीज बताएं कि यही आमिर खान कहाँ भगवान शिव जी को दौड़ाते हैं? हाँ, तो कहाँ? अरे फिल्म में कहाँ? नहीं, वो तो एक मंचर का नाटक का हो रहा है, उसका तो भगवान कहाँ से आया? हाँ, तो ठीक है, हमारे लिए उस वक्त तो भगवान ही है, सुन लीजिए आप, मैं आप यदि उसको भगवान नहीं मानते
तो जिस वक्त ऑस्ट्रेलियन कार्टूनिस्ट ने सिर्फ कार्टून बनाया था और वहां पर यह लिख दिया था कि यह अल्लाह का कार्टून है, इतने में आपने पूरे दुनिया में कत्लेआम कर दिया। हिंदुस्तान का कोई दोष नहीं था, हिंदुस्तान में कितने कत्लेआम आपने कर दिए, क्यों कर दिया आपने, किसका कत्लेआम हुआ, सारे दुनिया भर में कत्लेआम वैसे भी ऑस्ट्रेलियन कार्टूनिस्ट अल्लाह के कार्टून पे। ऐसा नहीं है क्यों मुफ्ती साहब, ऐसा हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कितने मारे गए, देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं जिस पर जो है खुद पाकिस्तान में फिल्म बनी थी अल्लाह के लिए, वो फिल्म इंडिया में, ये पाकिस्तान में जाकर बनाया अब तक इसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते, पाकिस्तान में बनी थी इंडिया में रिलीज हुई, उसमें पूरी फिल्म में जो है मुसलमानों का और जो मुसलमानों में जो जो एक्सट्रीमिस्ट है उन लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाया गया है, लेकिन बहरहाल उसको जो है देखा लोगों ने पसंद किया कि कुछ चीजें सच्चाई भी होती है। देखिए विरोध तो हुआ था लेकिन मैं इस बात का कह रहा हूं, लोगों ने जो जो उलमाए इकराम है उन्होंने पुरजोर विरोध किया था उस फिल्म का, नहीं विरोध के साथ मैं इस चीज का कायल हूँ कि देखिए कुछ चीजें अगर ऐसी है जो धर्म के रास्ते से मजहब के रास्ते से अगर वो हमारे समाज में बुराई बन करके आ देखिए जिस दिन हम उसका जीव काटेंगे ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। एक आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट ये करता है कि हमारे समाज में जो फैली हुई बुराई हो चाहे वो जिस रास्ते से भी आई हो, चाहे वो बुराई मतलब वो खुद ही बुरा आदमी है या किसी रास्ते से आई हो, उस बुराई पर वो तनकीद करता है, उस पर वो नुक्ताचीनी करता है, एक आर्टिस्ट का यही काम होता है। यहाँ पर सिर्फ ये कह करके कि आमिर खान चूंकि इसमें एक्टर है और इसलिए इसका विरोध करना, आप देख लीजिए इससे पहले ओ माय गॉड जब ओएमजी बनी थी उसका भी मैंने विरोध किया था, उसमें जो उसका है विरोध किया था, अक्षय ने मेरे से माफी मांगी, उसकी सास डिंपल ने मेरे से माफी मांगी, उसने कहा स्वामी जी आगे से ऐसा काम नहीं होगा। और जो उसमें जो हीरो थे फिल्म के अक्षय हरीश रावल, उसको तो आपने एमपी बना दिया, मैंने एमपी नहीं बनाया, पार्टी आपने परेश रावल की जी पार्टी, वो तो सांसद बन गया बीजेपी के टिकट पे। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि परेश रावल अभी दिल्ली में ही है, आप पूछ लेना, परेश रावल और अक्षय ने दोनों ने मेरे से माफी मांगी और उसने ये वादा किया कि स्वामी जी आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, उस बात पर हम लोग चुप हुए और इस फिल्म के लिए कहा, अक्षय ने तो यहां तक कहा, डिम्पल ने तो यहां तक कहा, इस फिल्म में भी हमको अप्रोच किया गया था लेकिन हमने चूंकि आपको वादा किया हुआ है हमने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन इसमें देशद्रोही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो देखिए जैसे जैसे कंफ्यूज दिखा रहा है एलियन, ऐसे ही कंफ्यूज बच्चे हमारे जाएंगे इसका जीव काटेंगे। अच्छा नहीं मैं और हम कहेंगे ये तो कंफ्यूज है पागल है। सवाल ये है, सवाल ये है कि आप पीके का विरोध इसलिए कर रहे थे उसमें आमिर खान ने ये किया है नहीं, और परेश रावल को इसलिए माफी है कि साहब वो परेश रावल परेश का भी विरोध किया था, अक्षय कुमार का भी विरोध किया था, लेकिन उसकी किया था, उसकी जीभ नहीं काटी आपने ना, नहीं ऐसा है कि उसने माफी मांगी। अच्छा इसका बयान अभी ये आया आमिर का, कहा कि मैं सारे धर्मों की आदर करता हूँ, किसी धर्म का आदर नहीं करता, वो सिर्फ लष्ट का आदर करता है, वो सिर्फ देश का को बर्बाद करने का आदर करता है, ये देशद्रोही है। हम मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने जा रहा हूं कि इसको देशद्रोह के केस में कैसे देशद्रोही है, एक मिनट मनोज इस बात सहमत है देशद्रोही कैसे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि आमिर खान जो हैं वो देशभक्त हैं और उनके वो देशद्रोही है, वो आपका मत हो सकता है, भावनाओं को भड़का है वो देशद्रोही है, आपका एक मत हो सकता है, वो देशद्रोही है, लोग जाके सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, उसका भी कारण है कुछ लोग विचारों से सहमत ना होना देशद्रोही नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो हमारा अलग अलग जगहों पर रैलियां और प्रदर्शन शुरू हुआ है, अब हमारा दूसरा प्रोग्राम ये शुरू होने जा रहा है, जितने भी अच्छा चलिए हम सिनेमा हॉल के मालिकों को भी हम पीटने जा रहे हैं। ठीक ठीक बताइए आसाराम को, आसाराम को आप क्या मानेंगे, आसाराम जैसे लोग जो धर्म के नाम पे कारोबार कर रहे हैं, रामपाल जैसे लोग क्या मानेंगे, आसाराम तो बड़ी हो रहे हैं, कल जाकर लड़की ने बयान दिया, रामपाल को क्या मानेंगे, क्या ऐसे लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए, रामपाल का हम विरोध कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो लोग गुमराह कर रहे हैं नहीं होना चाहिए ना, अभी सरेगा ना 10 साल तक, वो तो देशद्रोही है, हम तो मानते हैं वो देशद्रोही है। चलिए चलिए हम साधु नहीं मानते, ये एक परसेप्शन है आपके लोग है। देखिए हम देखते हैं समाजसेवी स्वामी अग्निवेश ने फिल्म का विरोध करने वालों की ये भी देशद्रोही है, उन्होंने कहा है कि फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं जिसका विरोध किया जाए। हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने स्वामी अग्निवेश से बातचीत की, आइए सुनते हैं स्वामी अग्निवेश का क्या कह रहा है इस पूरे मामले में। आमिर खान की फिल्म पीके विवादों के घेरे में है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हैं स्वामी अग्निवेश। स्वामी जी फिल्म पे काफ़ी विवाद गहरा रहा है, चारों तरफ विरोध हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रही है, दूसरी तरफ शंकराचार्य कर रहे हैं, बाबा रामदेव भी मैदान में कूद पड़े हैं, दूसरी तरफ से बहुत सारे ईसाई और मुस्लिम संगठन भी हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, किस तरह से लेते हैं आप इस विरोध को? जो विरोध करने वाले हैं वो लोग सब कठमुल्ला पोंगापंथी लोग हैं, ये बहुत ही तर्क वैज्ञानिक चिंतन की तरफ बढ़ावा देने वाला, भारत के संविधान के आर्टिकल 51A उसको और अधिक ताकत देने वाला ये हमारा ये फिल्म है।
मुझे तो ये लगता है कि ये फिल्म सब स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए, ये दिखाया जाना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए। जैसे पिछले साल आई थी ओ माय गॉड, OMG, वो भी ऐसी ही फिल्म थी, ज़बरदस्त। तो मैं ऐसी फिल्मों की बहुत सराहना करता हूँ और इसके लिए राज हिरवानी जी को, विनोद विधु चोपड़ा जी को और आमिर खान और उनके तमाम दोस्तों को बधाई देता हूँ। अपने अपने स्वामी जी बात कही है कुछ लोगों की दुकानदारियां बंद हो रही हैं, इस पर उसका असर होता है। इसलिए अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य हिंदू धर्म के बहुत लोग उन पर आस्था रखते हैं, लेकिन अभी उन्होंने साईं बाबा पर भी उन्होंने जो है विवाद काफ़ी उनके बयान पर गहराया। अब जब वो आमिर खान पे कर रहे हैं तो क्या वजह लगती है कि जब शंकराचार्य जैसे व्यक्ति जो हैं और ख़ास करके बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं वो भी इस पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उनकी दुकानदारी पे आपको लगता है कि उन पे भी इसको खतरा है क्या? जी, जो शंकराचार्य जगतगुरु स्वरूपानंद जी महाराज हैं उन्होंने जो साईं बाबा पर टिप्पणी की थी उसका भी मूल कारण ये था कि चढ़ावा, जो पैसा सोना चांदी आ रहा था वो साईं के मंदिर में ज़्यादा आने लग रहा था और शंकराचार्य जी जिन अवतारों की मूर्तियाँ लेके बैठे हुए हैं उनका नहीं आ रहा था। तो ये सारा चढ़ावे का झगड़ा था, ये साफ साफ मैंने कह भी दिया उनको। मैंने बयानों से जब उनको कहा तो उनको बड़ी तकलीफ भी हो गई और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप जड़ दिया कि स्वामी अग्निवेश आतंकवादी हैं। जी महाराज, बाबा रामदेव, आपने जो दुकानदारी की बात कही तो बाबा रामदेव वो तो योग गुरु हैं, अपनी दवाइयाँ ज़रूर उनकी जी। अपना उनका होता है, उनको उनका वितरण होता है, उनको उनका विक्रय होता है, उन पर क्या लगता है, उन पर क्यों असर है? देखिए, दूसरे लोग जो भी धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये शंकराचार्य जी हैं, उनकी आपत्ति का दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन बाबा रामदेव जी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक काम कम और व्यापार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, व्यवसायी बन गए, बहुत बड़ा एक बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर लिया है, माल बेचने का, सामान बेचने का, साबुन से लेकर के शैम्पू तक और सब चीज़ें बना रहे हैं, बेच रहे हैं वो। तो जब आदमी इतना बड़ा व्यापार बना लेता है और उसके साथ उसको लगता है कि ये खरीदने बेचने सब कुछ करने वाले उपयोग जिन पे उनकी दुकान चल रही है इतनी बड़ी, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू लोग हैं और उनको यदि मैं इस तरीके से खुश कर लूं तो शायद मेरा माल ज़्यादा अच्छी तरह बिकेगा। तो ये हैं हमारे साथ स्वामी अग्निवेश, जिनका ये कहना है कि कुछ लोगों की कुछ कठमुल्ला हैं, कुछ पोंगा पंडित हैं, उनकी दुकानदारियां बंद हो रही हैं। सीधा सीधा निशाना कहीं ना कहीं शंकराचार्य पर भी है और बाबा रामदेव पर भी है। उनका ये कहना है कि इस फिल्म का टैक्स माफ़ करना चाहिए और नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीद जता रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो ये थे स्वामी अग्निवेश, जिन्होंने गेंद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में फेंक दी है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, पीके पर जो बवाल मचा हुआ है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पीके पर बचे बवाल पी। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ये धार्मिक आडंबरों पर किसी ने चोट की, इससे पहले फिल्म ओ माय गॉड आई थी, उससे पहले कई और फिल्म आई थी और कई सूफी संत, कई शायर, कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने धार्मिक आडंबरों में चोट की है। आइए इसमें हम एक आपको दिखाते हैं कव्वाली, जिसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से संदेश दिया गया है कि आप मज़हब को किस तरह मानते हैं और मज़हब का किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सुनते हैं, एक बहुत पुरानी कवाली है हबीब पेंटर साहब की। कठिन है दगरपन घट की, तो हरम और बैर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, हरम और बैर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा,
इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा, यह है मंदिर का शहदाई और यह है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच तो यह है जन्नत का मतवाला, इधर भी राह में चक्कर, इधर भी राह में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर, इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है, समझ में कुछ नहीं आता के आखिर माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता के आखिर माजरा क्या है, इधर पंडित अकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है और इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है, यानी जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह बंद और ईश्वर कैद शिवानंद में, स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का जन्नत अल्लाह आलन में, फिर राम की पड़ गई खींचा तानी राम फंसे जंजालन में, अरे बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की, और इस वक्त पीके की डगर बहुत कठिन होती जा रही है। तो ये था एक बरसों पहले जब हबीब पेंटर ने इस तरह की चीज़ों को उठाया तो कबीर की तरह दिखता है, कबीर जो धार्मिक आडंबरों पर चोट करने के लिए पहचाने जाते रहे। बहरहाल ब्रेक पर जाने से पहले जो स्वामी अग्निवेश ने सुना कहा था कि भाई ये सब हो रहा है, उस पर स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वामी जी, देखिए स्वामी अग्निवेश तो देशद्रोही है, उसने खुद ही अपने मुँह से कहा कि मुझे हिंदू लोग आतंकवादी कहते हैं, और ये सिर्फ कहते नहीं हैं, उसने प्रमाणित किया इस बात को। विनायक सेन जिसको देशद्रोह के मुकदमे में सजा दी गई थी, उसको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील जो किया गया था उसमें स्वामी अग्निवेश, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इस सब ने उसमें सिग्नेचर किए थे। तो वो तो अपने आप को आतंकवादी सिद्ध कर चुका है, सठिया वैसे भी गया है। इससे पहले भी हमने स्वामी अग्निवेश को पीटा था, अब हम फिर पीटेंगे कुछ दिनों के बाद चैनल में आपको उसको मार खाते हुए नजर आएगा। ये सार्वजनिक धमकियां आप स्वामी जी जरा ना दीजिए, हम पीट चुके हैं, आपके चैनल में पहले आ चुका है ये मार खाते हुए दिखा है, क्योंकि आप कह रहे हैं और इस चैनल सब जगह देखा जाता है, तो इस पे कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल मेरी है, बिल्कुल मेरी है, ये यदि देश के खिलाफ बात करेगा, इस्तेमाल संदेश देने के लिए, धमकाने के लिए मत कीजिए, ये मंच धमकाने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, देशद्रोही है ये तय है। नहीं, आप नहीं तय करेंगे कौन देशद्रोही, कौन देश, कौन देशद्रोही है कौन नहीं, आप नहीं तय करेंगे, अदालत तय करेगी, देश की अदालत है। अंसारी जी की कोर्ट ने विनायक सेन को देशद्रोही सिद्ध किया था, सवाल हम लौट दी गई, हम लौट फिर के फिर पीके पर आते हैं जी। तो पीके पर आपको क्यों एतराज हो रहा है, क्यों ये आपने तमाशा मचाया हुआ है? इससे पहले तमाम लोगों का, हमारा देश कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संविधान कहता है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, और पीके नामक का जो किरदार है उसने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल तो अपनी जगह जायज़ है। बिल्कुल जायज नहीं है। मैं आमिर खान के बाप का, दादा का, दोनों का फोटो लेकर के मैंने आमिर खान को एक स्टूडियो में आने के लिए कहा था। मैं चूंकि आपका चैनल है इसीलिए उस चैनल का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, आप लोगों ने उसका इंटरव्यू भी देखा है। मैंने कहा था कि तू अपने बाप दादा का फोटो लेकर के आ, तेरे सामने तेरे, वो तो सिर्फ फोटो है ना, तेरे सामने तेरे बाप दादा के फोटो पर हम सिर्फ जूता मारेंगे और फिर हम देखेंगे तुम्हें कितना आनंद आ रहा है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि शिवजी का वो एक रोल कर रहा था जिसको दौड़ता हुआ दिखा रहे हैं, तो वो तो सिर्फ वहाँ तो फिर भी एक सजीव व्यक्ति है जो शिवजी के रूप में है, वो तो बेजान फोटो है, उसने साफ मना कर दिया। उसके बाद से जो भी चैनल वाले उसको फ़ोन कर रहे हैं वो ये कहता है कि जब तक स्वामी ओम जी की धमकी नहीं वापस होगी तब तक मैं किसी स्टूडियो में नहीं आऊँगा, और आना उसको नहीं आएगा तो किसी कहीं तो फिल्म की शूटिंग करने जाएगा। देखिए किसी भी फिल्म का जो एक सेटअप होता है, देखिए ये उनका आमिर खान का अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये अपनी अपने घर की ये फिल्म नहीं है, इसका जो भी अभी फ़ायदा पहुंच रहा होगा उसकी जो अपनी एक उजरत रही होगी एक्शन एक्टिंग की, परसेंटेज भी लेता है। ले लिया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है परसेंटेज ले या ना ले, वो उसके वो होगा
इसमें ये देखिए कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, आप उन लोगों में से किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। और सिर्फ ये आमिर खान का नाम, इस वजह से आमिर खान है, अगर आमिर खान की जगह अक्षय कुमार होते या दूसरे हीरो होते तो अक्षय कुमार का मैंने विरोध किया था, परेश रावल का मैंने विरोध किया था। ओमेगा ये एक एक्टर है, इसको तो जैसा एक बना करके दिया जाता है, आपको ये बोलना है तो वो बोलते हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिंग होती है, उसी का नाम अदाकारी है, उसी का नाम अदाकारी है। तो आपको इख्तलाफ, आपको अगर इख्तलाफ है तो होना चाहिए जो है डायरेक्टर से होना चाहिए, आपको इख्तलाफ स्क्रिप्ट राइटर से होना चाहिए। आपको आमिर खान है इसलिए जो है इख्तलाफ कर रहे हैं, नहीं ये सिर्फ इस वजह से कि वो आमिर खान है इसलिए इख्तलाफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं आप। उसका नाम क्यों नहीं ले रहे स्वामी जी, डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम डायरेक्टर का भी नाम ले रहे हैं, हिरानी का भी नाम ले रहे हैं, विनोद भी किसी का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस फिल्म के अंदर जो सच्चाई है, इस फिल्म में और भी स्टार कास्ट है जो हिंदू है, हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है स्वामी जी भी हमने वही कह रहे हैं, आप बोल लीजिए आधा मिनट फिर ये बोले, एक एक करके बोलिए आप जी। तो अभी तो इन्होंने इंटरफेयर किया, नहीं तो इंटरफेयर तो आपने किया था ना। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये तो मैं अच्छा, चलिए मैं अभी थोड़ी देर आप सांस लीजिए, मैं मनोज से पूछता हूँ। मनोज, ये जो मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया, साहब इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि वो आमिर खान है और बाकी लोगों का नाम सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो हमारे साथ स्वामी जी बैठे हैं, एक मिनट, जो स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं या इस जैसे, और ये लाल वस्त्रधारी हैं, कुछ गेरवा वस्त्रधारी हैं, इन लोगों को सूट करता है कि आमिर खान के खिलाफ बारे में हम तो खून का ही कपड़ा पहनते हैं। एक वजह ये है, खून का ही तिलक लगाते हैं कि इस फिल्म में अभिनेता आमिर खान है इसलिए विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं देख रहा कि इस फिल्म में आमिर खान तो चलिए मुसलमान हैं, बाकी सब तो हिंदू हैं, क्या उनकी भावना नहीं थी? तो पहले तो उनको घेरिए। अगर आपको लगता सारे है के सारे दाऊद इब्राहिम के करते आप, हैं मनोज जी, ये कहने से नहीं होता है कि वो दाऊद इब्राहिम की हैं। अभी बहुत जल्दी ऐसी बात कह के गलत बात, आप ये बात कह के सब दाऊद इब्राहिम से डरते हैं, आप देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। नहीं देखिए, 125 करोड़ का लोग अकेले दाऊद इब्राहिम से डरता है? फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, क्रू मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्रू मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्रू में अजीब बात आप कर रहे हैं, हिम्मत है किसी के दाऊद से जाकर के दाऊद के खिलाफ चला जाए? दाऊद का जो पार्टी होता है दुबई में, कहां से दाऊद इसके अंदर आ गया भाई? दाऊद का ही पैसा लगा है इसमें, अभी सबूत आपके पास आने वाले, इंक्वायरी शुरू हो गई है। नहीं ओम जी, मेरा मानना यह है कि अगर उसमें आमिर खान जी ने या उसके निर्माता निर्देशकों ने, फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने कुछ दिखाया उसमें एलियन के जरिए, तो एलियन तो किसी ने देखा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, एलियन तो किसी ने देखा नहीं है, आपने उसको मान लिया? कोई कल्पना या पटकथा में कोई चीज दिखा रहा है उसे मनोरंजन के रूप में लेना चाहिए। हाँ इसमें धार्मिक भावनाओं को आधार में, अरे मैं आपकी बात कह रहा हूं, इसमें धार्मिक भावनाओं को वो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, उसको आधार बनाने से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है अपना। लेकिन ये कह देना हर चीज को दाव से जोड़ देना वो ठीक नहीं है। आप अभी रिपोर्ट आने वाला, ये भी सच है, इस देश में धर्म के नाम पर कारोबार हो रहा है, ये सच है। देखिए ओ माय गॉड पिक्चर मैंने भी देखी है, उसमें क्या धर्म के नाम से किस प्रकार कारोबार हो रहा है, इससे आप मुंह मोड़ेंगे क्या? बिल्कुल मोड़ेंगे। क्या भगवान ने कहा उस तरह बेचो उसको? ऐसा हो नहीं रहा जो दिखाया गया है, ये तो भगवान ने नहीं कहा है ना, ऐसा हो भी नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं, दिखाया गया वो भी नहीं हो रहा, ये आशा राम के रूप में सामने नहीं आता, राम का बड़ी होने जा रहे हैं, अभी कल लड़की ने विड्रॉ कर लिया, बिल्कुल केस ने वर्ल्ड लड़की ने विड्रॉ कर लिया। धर्म में आस्था मेरी भी है, हिंदू मैं भी हूं, पूरा मानता हूं, अपराधी होते तो कारोबार पे चोट होनी चाहिए, धर्म के नाम पे कारोबार का विरोध होना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। धर्म के नाम हो सकता है मुझे, आप भी दोष दे रहे हो, कह दिया मुझे, नहीं नहीं धर्म के नाम पर हिंदुओं में कहीं कोई कारोबार नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो दूसरे धर्म भले ही हो रहा होगा जिसके बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन हिंदू धर्म में कहीं कारोबार नहीं हो रहा। नहीं वो तो हम कह रहे हैं हर धर्म के अंदर, हम जिस धर्म को हम मानते हैं, मुफ्ती साहब मानते हैं, वहां भी कारोबार हो रहा है, हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है, हमारे हिंधू धर्म में नहीं हो रहा है, और जहाँ आपका दृष्टिकोण हो रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे तो हो रहा है। रामपाल ने करने की कोशिश की, हमने उसका विरोध किया, और अभी जेल में सर रहा, और जेल में ही सर मरेगा। तो कई मौलवी भी जेल गए हैं साहब जिन्होंने गलत करा, ऐसा नहीं है। आप आसाराम जी की बात करते हैं, कल लड़की ने कोर्ट में पेश होकर के केस विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ हो गया, तो क्रिमिनल वो क्रिमिनल प्रोसीजर के केस उनके ऊपर है, तो वो छोड़िए ना, किसी केस वो सजायाफ्ता नहीं हुए हैं, लेकिन ये स्वामी अग्निवेश इस विनायक सेन का को रिलीज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था, वो तो सजायाफ्ता कौन कौन से सजायाफ्ता? ओम जी मैं तो इतना वो हूँ, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म ने तो हमेशा परिवर्तनों को अपनाया है, सती प्रथा का विरोध हुआ माना, आज शमशान घाट पे देखिए सीएनजी से अब शवदाह संस्कार होता है,
पहले लकड़ी के साथ होता था। तो हिंदू धर्म ने तो हमेशा परिवर्तनों को अपनाया है, अंधविश्वासों को ठुकराने का प्रयास किया है। आपको उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल स्वागत। और जहां तक शिवलिंग की बात है तो उस पर मैं जरूर सहमत नहीं हूं अगर उसमें ऐसा है। देखिए, एक श्रद्धा और उसकी बात, एक एलियन को आपने भगवान मान लिया, काल्पनिक एलियन को, और जो असली भगवान है उसको आप भगवान, हम लोग जो मंदिर में मूर्ति होती है उसकी हम बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो पत्थर सजीव हो जाता है और सजीव रूप में वो फल देता है, वो वहाँ पर साधारण पत्थर नहीं होता। वो आप ये देखिए, इस्लाम में हमारे मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, बुरा ना माने, मैंने देखा है सड़क पे सिर झुका करके नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन में पढ़ रहे हैं, गली में पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं। तो ये क्या आप इनको ये कहेंगे कि वहाँ उस सड़क पे या उसके सामने जो किसी ने पेशाब भी आगे कर रखा है, किसी ने टॉयलेट भी कर रखा है, तो क्या वो उसको प्रणाम कर रहे हैं? क्या उनकी आस्था वहाँ जा रही है? ठीक है, मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये सबका अपना एक आस्था होता है, अपना एक जो है वो रूहानियत होती है, अपना एक अल्लाह तक पहुंचने का एक अलग तरीका है। वही कह रहा हूँ, किसी भी आस्था को, किसी भी आदमी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है। और ये बिल्कुल जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ भी नहीं है, ये एक अलग मैटर है, ये तो है। लेकिन जहाँ तक इस फिल्म की बात है, देखिए इस फिल्म को थोड़ा सा बड़े पैमाने पर जरा सा फैला करके देखिए, ये नहीं कि एकदम कंजेस्टेड माइंड होकर के और सिर्फ हिंदुइज्म को लेकर के आप देखिए। इसमें हम देखते हैं कि शुरू से लेकर ऑस्ट्रेलियन कार्टून पे इतना हंगामा क्यों कर दिया पूरा दुनिया में, ये भी जाता तब भी करते ना। देखिए, किसी एक धर्म को लेकर के जिसका कोई ये नहीं है, वो आप सीधे अल्लाह का अगर आप कार्टून बना देंगे जिसका इस्लाम, वो तो सिर्फ कार्टून कागज पे ही तो था। हाँ, तो उसका इस्लाम में यहाँ तो सजीव व्यक्ति को दबा रहा है, उसकी तो मुखालफत होनी ही चाहिए, इसकी भी मुखालफत आपको करनी चाहिए। अगर इसमें भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको हट करके नहीं कर रहे हैं तो भारत के साथ रहने योग्य नहीं है। एक मिनट, अगर ये हिंदू राष्ट्र है, अरे ना सुनिए, कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी आप कोई भी जो बोल रहे हैं स्वामी जी, वो आप किसी को हट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में है हिम्मत तो मुझे गिरफ्तार करे। कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र? क्या कहाँ लिखा? संविधान में लिखा है। मैं लिखा? अगली बार आप मुझे आप कह के रखेंगे तो मैं ला करके दिखाऊंगा। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बता दिए, अब तो हम सिर्फ अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, जितने भी पहले ये राष्ट्र थे, जो पहले अखंड हिंदू राष्ट्र था, हम वो बना करके रहेंगे। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। हमने महात्मा गांधी गोली इसलिए मारी थी क्योंकि हमारे देश का टुकड़ा उसने किया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका महात्मा गांधी हम देशद्रोही कहते हैं, आपकी अपनी सोच है। ये आप कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते ना, हमारा चैनल कह सकता, महात्मा गांधी हमारे लिए सम्मानित थे और रहेंगे। आप इस प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सम्मान हम भी करते थे तब तक। स्वामी जी आप अपनी बहस को पीके तक सीमित रखिए फिलहाल। देखिए, पीके फिल्म का तो सीधी सी बात है कि आमिर खान और स्वामी जी देश के साथ गद्दारी किए, देश द्रोह क्या सदा। आपने एक सवाल पूछा था, मुफ्ती साहब उसका जवाब दे रहे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। बीच में मत रुकिए। ये जो पीके से रिलेटेड अभी बहस है, उसी पर हम आते हैं। देखिए, पीके से मुताल्लिक अग्निवेश जी ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल 100% उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ। कि जिस तरह की उन्होंने बात की, वो पूरी तरीके से एक एनालाइज किया है इसका। मैं समझता हूँ इसमें कि फिर पूरी फिल्म में शुरू से लेकर के आखिर तक बड़ी बारीकी से जो है एक इसको दिखाया गया, अल्लाह की या भगवान की वहदानियत को या ईश्वर के एक होने को दिखाया गया है कि वो ईश्वर जिसने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को और पूरे अर्थ को, चांद तारे को, सूरज को, सबको पैदा किया। अब उस तक पहुँचने के लिए ज़मीन पर जो लोग आबाद हैं, खुद वो ईश्वर के पैदा किए हुए जो लोग हैं, वो कैसे अलग अलग रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, इन रास्तों को देख करके वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। और जो कन्फ्यूज़ होना, कोई भी आदमी जिसके जहन में किसी भी मज़हब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ एक भगवान का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो कन्फ्यूज़ होगा। और उसको जो है तमाम मज़हब को उसने लपेटा है इसमें, सिर्फ हिंदू मज़हब को नहीं। उसमें देखिए, उसमें यहाँ पर कहीं पर ये भी कहा है, मुझे याद आता है कि जो वो चादर चढ़ाते हैं तो उसके बारे में कहा है कि ये किसी गरीब के ऊपर जो है पहना दिया जाए। तो इस तरीके की भी बात करना चाहिए, इस तरह की भी बात उसने कही है। इस्लाम का विरोध करने लगेगा, ठेस पहुंचे तो विरोध करेंगे, उन्हें लगता है कि ठेस नहीं पहुंच रही है तो विरोध नहीं कर रहे। इसीलिए नहीं, इनको ठेस पहुंच रही है क्योंकि उसमें हीरो आमिर खान है। आमिर खान को इस्लाम के खिलाफ बोल देगा तो कैसे बात करते हैं? ऐसी क्या बात हुई कि कोई मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे इस्लाम के खिलाफ? आप नहीं बोलते हैं ना अभी, ऐसा क्यों? इसीलिए तो सब कर रहे हैं। इन लोगों का जो फिल्म एक्टर्स है, जो फिल्म एक्टर्स है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये लोग एक किरदार को पेश करते हैं। मेरे पास फिल्म फाइनेंसर है, मैं एक काल्पनिक फिल्म बनाता हूं जिसमें मोहम्मद साहब के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं सारा मैं दिखाता हूं, फातिमा बी के अंदर जितनी बुराइयां हैं सारा मैं दिखाता हूं। क्या ये सारे जितने भी मुस्लिम संगठन हैं ये लिख करके देंगे क्या? यहां बनाइए,
चरित्रहीन महिला है सोनिया गांधी। देखिए गलत बात स्वामी जी, एकदम गलत। आपने शब्द वापस ले लिया। एक आग्रह मनोज कि आप मोहम्मद साहब या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या किसी पर्सनालिटी के बारे में इस चैनल के साथ आपको गलत बात संदेश ना दे। आप रहे हैं काल्पनिक बातें हैं। तुम्हें स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी रुकिए। ऐसे कैसे किसी के बारे में किसी का धर्म मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, सुनिए उसको आप स्वामी जी, स्वामी जी मेरी बात सुनिए। स्वामी जी अभी आपने सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन के खिलाफ जो बोला है उसे वापस लीजिए आप पहले। चलिए मैं वापस लेता हूं, अभी इस वक्त लेता हूं। नहीं, लेकिन ये मैं साबित करके दिखाऊंगा किसी के चरित्र वो सोनिया गांधी की चमचे इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब मत बोलिए, हम आपको, हम खुदा के वास्ते भगवान के मैं बोल के ऐसा था। लीला को मैं जानता हूं अच्छी तरह से। नहीं, आप किसी के चरित्र पे सवाल नहीं उठाएंगे यहां बैठ। चलिए मैं इस वक्त वापस लेता हूं, लेकिन अब मैं आपके चैनल पे मैं इसका सबूत लेकर के आऊंगा। ये कैसे मैंने कहा है, हमें हमें किसी का सबूत, हम किसी का पर्सनल लाइफ से आपको क्या, किसी की पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं। और आइंदा इस तरह की बात मत कीजिएगा आप, हमारे चैनल पे ना कीजिए आप बिल्कुल। लेकिन हाँ यही एक दुर्भाग्य है इस देश में कि सच बोलने पे प्रतिबंध है। तो गलत तरीका है मुफ्ती साहब जो ये कह रहे हैं साहब, ये हम एक काल्पनिक फिल्म बनाएंगे या और पहले भी कई सारी इस तरह की फिल्में आई हैं तो उसका मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी विरोध होता है, तो वहाँ रचनात्मकता की जो छूट है वो कहाँ चली जाती है। देखिए कहीं भी किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई ऐसी रचनात्मक या कहीं ऐसे तसव्वुराती फिल्म बनाई जाए जिससे उसके के मानने वालों को ठेस पहुँचे, खा वो हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो, हम उसकी मुखालफत करेंगे और हम उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी नहीं लाएंगे। इसलिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि किसी के जज्बात से खिलवाड़ किया जाए या किसी के धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जाए। कहीं भी हो, चाहे इस फिल्म में हो या किसी भी फिल्म में हो, हिंदू के खिलाफ हो, मुस्लिम के खिलाफ हो, ईसाई के खिलाफ हो, किसी को भी किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी भी मज़हब के खिलाफ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करना चाहिए जिससे उसके फॉलोवर को जो है किसी भी तौर पर जो है जज्बाती तौर पर हट महसूस करते हों। जहां तक ये पीके की बात है, देखिए पीके को रिलीज हुए कई दिन हो चुके हैं, मतलब तकरीबन 10 दिन होने जा रहे हैं। उसके रिलीज होने के 10 दिन के बाद इसने इतनी अच्छी खासी कमाई कर ली है दुनिया भर में जो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। इस सिलसिले में देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक जो है ना एक पॉलिटिकल इशू बना करके, और इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कभी धर्म के नाम पर, कभी लव गुरुओं के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी किसी न किसी नाम पर जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो एक तनाव की कैफियत पैदा करना चाहते रहते हैं, वही तनाव को आज भी वो पैदा करना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूं कि बस वही एक चीज है, और जो दूर दूर तक जो है इसमें मजहब का कोई लेना देना नहीं। एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे पास में इंटरनेट के जरिए एक फोटो आया जिसमें ये दिखाया गया था कि काबा में, मक्का मदीना में जो जहाँ पर ये लोग हज करने जाते हैं उसके अंदर शिवलिंग है। मैंने सिर्फ ये बयान और वो फोटो दिखाया। जितने भारत के मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता थे उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा किया, वो अलग बात है कि सुनिए वो नहीं नहीं मेरे खिलाफ मुकदमा कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलिए, मुझे जमानत लेना पड़ा। और उसके बाद हमारे लोगों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया, सरकार को नाक रगड़ करके मेरे खिलाफ़ मुकदमा वापस लेना पड़ा। क्यों, चलिए हो गया ना। नहीं नहीं हमने तो इसका पीके से क्या ताल्लुक, नहीं नहीं पीके से अभी इन्होंने कहा ना काल्पनिक, हमने तो काल्पनिक बातें, हमने प्रमाण के साथ तो खुद मुखालफत कर रहा हूं ना इसके, किसी भी धर्म की मुखालफत की थी हमने। आप देखिए जो भी बातें करते हैं आप सारी फर्जी बातें करते हैं, तो जब इतनी सी बात नहीं होता हो सकता है हमको दंडित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इतना बड़ा अत्याचार, हिंदू देवी देवताओं के का इतना बड़ा अपमान, आज हम इनके कुरान शरीफ में लिखा है हर मुस्लिम कंट्रीज में, हर अरब कंट्रीज में इस निंदकों को की हत्या कर दी जाती है, टुकड़े टुकड़े कर पत्थर मारे जाते हैं, इसके साथ में ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते। भले ही इनके इस्लाम का भी, इनके भी कब्र का और मजार का मजाक उड़ाया है, हमारे हिंदू देवी देवताओं को तो उसने उड़ाया है, तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसा क्यों है कि भारत का खाता है और भारत की वो गाली देते हैं, ऐसा क्यों है, इसे हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु नहीं बनेंगे। आप गलत तर्क मत दीजिए, भारत को गाली किसने दी है, ये भारत को ही गाली है, ये भारत मनोज मनोज भारत के देवी देवताओं का अपमान भारत को ही गाली है, मनोज मनोज हिंदुस्तान को गाली है। मनोज जो अभी जो तर्क दे रहे हैं स्वामी जी कितना समझ, जो मुफ्ती साहब ने बात कही साहब, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है। आमिर खान, पी के, हिंदू धर्म का अपमान, कोई ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या है ये? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा तो मैं इस पे इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुछ हिंदू संगठनों का अपना इस पे एजेंडा हो सकता है। वैसे मुफ्ती साहब ने जो बात कही उससे मैं
100% सहमत हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर इस तरह हर चीज़ को हम धर्म से जोड़ लेंगे तो ना तो कोई लेखक लेख लिख पाएगा और ना कोई फिल्मकार फिल्म बना पाएगा। नहीं देखिए, ये सब नहीं होता है। आप बैठ के एक चैनल के माध्यम से लगातार महात्मा गांधी को आप अपशब्द कहें, आप सोनिया गांधी को कहें, आप मोहम्मद साहब के बारे में बोल रहे हैं, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। देखिए, एक बुराई की दूसरी बुराई उसका आधार नहीं हो सकती। अगर आमिर खान ने गलत किया तो आप बार बार मोहम्मद साहब का नाम लेके आप उसको कुतर करेंगे। ये काल्पनिक है, वो कहानी मुकदमा तो आप मुकदमे से डर रहे हैं, इसलिए नहीं बना रहे हैं। से नहीं डर रहा हूं। देखिए, मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, आप उसका ओम जी मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ने भी कही है ये बात कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ भी कुछ दिखाता है तो उसका समर्थन नहीं कर सकते। मान कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पक्षपात है, मुसलमानों को सिर पे चढ़ाया जाता है और देखिए पांव के नीचे देखिए स्वामी जी, फिल्म मैंने भी देखी है, उसमें कहीं आमिर खान ने जो करेक्टर है पीके, उसने बाद में ये बात कही है कि जिसने जिस भगवान ने हमें बनाया है मैं उसे मानता हूँ, और जिस भगवान को तुम लोगों ने बनाया अपने धंधे के लिए उसे मैं नहीं मानता हूँ। इसमें कहाँ किसी नहीं, वो तो हम ही करेंगे। हमारा कन्फ्यूज आदमी तो जीव काटेगा, हम कहेंगे खुदा का ये आदेश हुआ था इसका जीव काट दो, हमको बड़ा दुख है इसका जीव हमने काट दिया, यदि मारना पड़ा हम कहेंगे हमको बड़ा दुख है इसको हमको मारना पड़ा, तो ठीक है करके आप अपने तर्क नहीं हुआ। ये बात करके आप तो आपने तो बहस की गुंजाइश खत्म कर दी कि आप उसे मार देंगे, ये कह के तो आपने अपनी बहस की गुंजाइश खत्म कर दी। हर इस निंदकों को मारने का प्रावधान इस्लाम में है और वो मुसलमान इस देश में नहीं है, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का हक है। इस देश में चाहे स्वामी जी और हो, क्या आपने इस देश में है तो इस देश में भी है। क्या आपने इस देश में शरीयत लागू कर दी है? देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? इस देश में इस्लामी कानून, इस्लामी संविधान चलता है इस देश में आपने मैंने डिमांड, सुनिए, निर्भया हत्या रेप कांड में मैंने डिमांड की थी कि शरीयत के मुताबिक रेप कांड में सजा दी जाए इनके साथ। क्या शरीयत लागू हुई देश में? नहीं, ऐसे मामले क्या देश में शरीयत लागू करना चाहते हैं? बिल्कुल, अफगानिस्तान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? नहीं, हम पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। क्या मतलब कहने का आपका है? ये मतलब आपका है अपराध का दमन करने के लिए आप भारत को भारत रहने देना चाहते हैं, या जिस तरह से तालिबान करता है, या भारत को तो सिर्फ हम अफगानिस्तान करता है उस तरह का देश बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान रखना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान था है और रहेगा। यूसुफ जी, कुछ हिंदू संगठन, कुछ हिंदू नेता ऐसे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात ये बात कही थी कि देवालय से पहले शौचालय, तब भी लोगों ने देश को सिर पर उठा लिया था, उठाया। अरे उसमें क्या गलत बात कह दी थी? नहीं, बिल्कुल गलत कही थी। आपको तो उसमें भी आपत्ति होती है? आडवाणी जी ने पीके की तारीफ की है। आडवाणी तो पागल हो गए हैं अभी चार दिन पहले। देखिए फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप गलत बात। नहीं सुनिए, चार दिन पहले वो मेरे साथ, मैं आडवाणी जी को पागल कैसे कह सकते हैं? प्रभात प्रकाशन हमने अभी चार दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आडवाणी जी को इस बात के लिए कहा, और आडवाणी जी के भी जितने सहयोगी थे, चाहे प्रभात झा थे, चाहे आरएसएस के थे, चाहे ये मनोज तिवारी थे, चाहे बीजेपी के और दूसरे नेता थे, सबने मेरी बात का समर्थन किया। और यही वजह है कि 8 जून 2013 को इसीलिए मैंने आडवाणी का घर घेरा था, और तब से आडवाणी जी का हमने बिल्कुल उसका पॉलिटिकल किसी हो गया। किसी भी नेता के बारे में अपशब्द नहीं बोलेंगे, आपने शब्द वापस लिए, गलत बात है आपकी। आप इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आडवाणी जी, आप आडवाणी जी खाली हाथ आए थे, नंगे पैर आए थे, हमने उनको नहीं। अरे आप आपको ये हक किसने दिया कि जीव काट लो, पागल कह दो? हमको किसने दिया? हमको ये हक हमारे संगठन ने दिया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता असीम द्विवेदी जुड़ गए, हिंदू धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं। वो आपका सोच है, हमारा सोच नहीं। स्वामी जी, हमारे साथ असीम द्विवेदी जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता असीम, जो पीके पर जो बवाल मच रहा है उसमें आपने देखा स्वामी जी किसी की जीभ काटने की बात कर रहे हैं, किसी को पागल कह रहे हैं, क्यों, क्या पूरा बवाल पे आप क्या समझते हैं, क्यों हो रहा सभी? देखिए शुरुआत में तो जो भी सर ने कहा कि ज़्यादा नुकसान तो ये कर रहा है शायद हिंदू धर्म का, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए अभी कुछ फिल्में ओ माय गॉड आई, अभी ये आई,
एक खास बात थी कि लोगों ने उनको एंटरटेन किया, लोगों का समर्थन मिला। अगर लोग उसको भारी मात्रा में देखने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, ये एक बुरी बात है तमाम लोगों के लिए जो जड़ बने हुए हैं अपनी जगह, और उनको समाज के साथ चलना चाहिए। और सबको हक है अपनी बात कहने का, अगर किसी कोई कला के माध्यम से अपनी बात कह रहा है तो जरूरी नहीं कि बार बार हम बवाल मचाएं, और कम से कम संविधान के रास्ते जाएं। मैं मानता हूं कि ये ठीक है कि आप याचिका करें, पर ये उतना ही गलत है कि आप सड़क पर उतर जाएं, पुतले जलाएं और आप मारपीट करें, इस तरह के तमाम गैर कानूनी रास्ते अपनाएं। और जहां तक फिल्म की बात है, मुझे लगता है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है कि आमिर खान ने के जरिए ये बातें कहलाई गई हैं? ओ माय गॉड में परेश रावल ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन परेश रावल तो हमने किया था विरोध, परेश का अक्षय का हमने विरोध किया था, बन गए हैं। और चूंकि आमिर खान है इसलिए उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, जुबान काटने की बात हो रही है। देखिए इसी भी इसमें एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये लोग किसी भी बात पे, मतलब जो भी धार्मिक लोग हैं और जो इतने कट्टर हैं, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं दूसरा पक्ष। शायद मेरे ख्याल से कोई और भी होता तब भी वो ऐसा ही करते, लेकिन वाकई में आमिर खान से ज़्यादा हम लोग उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने सत्य में जयते किया है बहुत बार, उन्होंने सिर्फ यही मुद्दा नहीं, अलग अलग बार अलग मुद्दे उठाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि कभी उनकी गुजरात को लेकर पहले भी कुछ मामले रहे हैं जिसको लेकर दिक्कतें रही हैं, तो शायद वो भी कुछ कारण हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा टॉलरेंट बनना चाहिए, किसी भी धर्म के लोगों को ज़्यादा संवेदनशील बनना चाहिए, और इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, खासकर सड़क पर उतर के और हिंसा का सहारा लेके कुछ भी करना अपने धर्म की छवि खराब करना होगा। और हालांकि मैं किसी भी धर्म से सहमत नहीं, मतलब इत्तेफाक नहीं रखता, पर मैं ये मानता हूँ कि लोगों को हक है कि वो अपनी अपनी बात रखें, चाहे वो धर्म के लोग हों और चाहे वो लोग हों जो धर्म पे विश्वास नहीं करते या उन तौर तरीकों पे विश्वास नहीं करते जिन पे तमाम धर्म। देखिए इसमें एक फिल्म में ज़्यादा रोल डायरेक्टर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है, स्क्रिप्ट राइटर का होता है, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा आमिर खान का नाम लिया जाता है जिसके काम सिर्फ एक्टिंग करना होता है। मतलब ये इशारे पर नाचना, अभी मनोज जी ने कहा कि वो ऐसा नहीं लगता कि वो आमिर खान पहले पढ़ते हैं, सारा समझते हैं, अपना सजेशन देते हैं, उसके बाद फिल्म करते हैं। चलिए तो सारा रोल तो उनका हो ही गया। स्वामी जी आपने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी और इस प्लेटफॉर्म का जमकर अपने एजेंडा को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। असीम त्रिवेदी, हमें कमी खली डिस्कशन में आपकी, क्योंकि आप देर से पहुँचे। मुफ्ती साहब, आपने भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनोज वर्मा ने भी बहुत बारीकी के साथ इस मसले को समझाया। पीके ने कई सारे सवाल उठाए हैं, और एक सवाल जो बहुत अहम है जिसे एक दोहे में ढालने की कोशिश हमने की है, मस्जिद में अल्लाह रहे मंदिर में भगवान, बाहर खड़े ताकते भूखे नंगे इंसान। ये सवाल तो है कि जिन दीवारों के पीछे अल्लाह और भगवान होने की बात की जाती है, उसके सामने क्यों भूखे नंगे लोग लोगों से मदद की आस में उठाए रखते हैं। बहरहाल इसी सवाल के साथ हम न्यूज़लाइन में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। ये बहुत अच्छा।